दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुमाला स्वामी मेरे चैनल में मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी अभी मैं रेस्ट करके उठी हूँ। नीचे मेहंदी और पार्लर क्लास में मैं जाके आई थी और अभी उठी हूँ। उठने के बाद मैंने सिर धोया है क्योंकि मैं 2 दिन से तेल लगा हुआ था तो सिर में धो नहीं पाई थी। तो देखिए, मेरे बालों पर मैंने कटिंग सिखाई थी लड़कियों को, तो आप बताइएगा कि मेरी कटिंग कैसी लग रही है। देखिए, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? बाल मेरे थोड़े कम है, ग्रोथ कम है बालों की, लेकिन कटिंग कैसी लग रही है और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है गाइज? अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट गाइज। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइज। जैसा कि आप जानते हो, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, एक किसी की पत्नी भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, बहू भी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो आप, आई होप आप समझ सकते हो। जो ये स्टैंड है उसमें से मोबाइल निकल के गिर गया, वापस से लगाया है। तो गाइज, आप समझ सकते हो कि ये भूमिका कितनी मतलब टफ होती है। माँ, बहू, बेटी, बहन, पत्नी और सोशल वर्कर, और ये लड़कियाँ भी मुझे सारी मम्मी समझती है। और 2012 से पहले से मैं पूरे मतलब ये फ्री की क्लासेस चला रही हूँ और पूरे मतलब पूरे पोर्शन में मैं आपको कभी विजिट करवाऊँगी तो पूरे पोर्शन में मैंने यही निःशुल्क क्लासेस खोल रखी है। अभी मैंने एक रूम और एक किचन रेंट पर दे रखा है। चक्कर ये पड़ा गाइस के हमारी मेन रोड पे शॉप थी जो हमारी खुद की थी, 3 मंजिल की हमारी शॉप थी और वो गोपालपुरा बाईपास की जब सड़क चौड़ी हुई तो वो रोड में चली गई। उसका मुआवजा अभी मिलना बाकी है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे सोशल वर्क ही करना है, फ्री सिखाना है, तो मैं मेरे ऊपर के पोर्शन में भी सिखा सकती हूँ और मैं नीचे एक हॉल में भी सिखा सकती हूँ। तो जगह की कमी थी गाइस, तो मैंने मेरे ससुर जी के रूम में सिखाना स्टार्ट करा। जब वो शॉप पर जाते दिन में तो मैंने वहाँ पे भी सिखाया। प्लस मैं हम जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते थे वहाँ पोर्च में भी मैंने पंखा लगवाया लड़कियों के, वहाँ पे दरी वरी बिछा के वहीं पर मैं सिखाती थी पोर्च के अंदर। सोचिए आप, मेरी लड़कियाँ पोर्च के अंदर बैठ के सभी ये सीख के गई है। 1 साल तक उन्होंने सब ने मतलब ये चीज़ कि हाँ मैम की दुकान रोड में चली गई, तो मतलब अभी तो उन्होंने सब ने कोऑपरेट करा मुझे और सब सीख के गई हैं। तो आप दुआ करें कि सरकार जो है मुआवजा दे हमारी दुकान का। आपकी दुआएं बहुत काम की, क्योंकि ये दुआएं हैं जो मतलब मुझे यहाँ तक इस स्टेज तक लेके आई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरे ससुराल का पूरा पक्ष, जिनका सास ससुर और सासू जी अभी नहीं है, ख़त्म हो गए, ससुर जी हैं मेरे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते और एक पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ और हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और नारी शक्ति अवार्ड के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। तो ये सभी आपका प्यार है गाइज, ये सभी आपका प्यार है। आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पीऊँगी। मैं थोड़ी वो बता देती हूँ आपको, साड़ी कौन सी ली थी क्या। और देखिए, मेरे बाल जो हेयर सीरम लगाते हैं उससे बाल देखिए आप कितने अच्छे मतलब मेरे स्मूथ और शाइनी सिल्की हो गए हैं देखिए। और कटिंग बताइएगा, क्योंकि ये कटिंग मैंने लड़कियों को बताई थी मेरे ही बालों पे, क्योंकि दूसरों के बालों पे कोई ना तो वीडियो शूट करने देता है और ना बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये टेब है, ये पहले मैंने विमला को ही दे रखा था, अभी मैंने लिया है। तो इसका कवर ख़राब हो गया था तो ये कवर चेंज करवाया है मैंने। विमला को मैंने नया मोबाइल दिलवा दिया है अभी, ये देखिए, क्योंकि टेब हाथ में वो बीएड कॉलेज की क्लासेस में भी जाती है और तो सब जगह जाती है, तो उसको पकड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी मोबाइल में तो, और थोड़ी उसको इसमें सुनाई भी कम देता था, तो फिर उसने चेंज कर लिया। तो मेरा टेब मैंने कवर चेंज करवा लिया, ये मेरे काम आएगा। और साड़ियाँ मैंने ये रखी है, आप बताइएगा कि ये कवर कैसा लग रहा है, पिंक कवर मेरे टेप का। और साड़ियाँ मैंने 3 रखी है, वो ग्रीन कलर जो मैं बता रही थी चुंदड़ का, मुझे थोड़ा कम पसंद आया तो मैंने वो नहीं रखा है। ये ही अच्छी लग रही क्योंकि इसका चौड़ा बॉर्डर भी है और ये भी अच्छी है, तो ये वाली मैंने रख ली।
ये तीन साड़ियाँ मैंने रखी है। तो चलिए विमला लेके आई है पापा जी के जूस, तो चलिए जूस में डाल देती हूँ। पापा जी का आज व्रत है, फिर मैं खाने की तैयारी करके खाना देती हूँ। सुबह मैंने उनको तरबूज और केले वगैरह दे दिए थे, रसना दे दी थी, दिन में भी रसना दे दी थी, और अभी शेक मंगाया है मैंने, तो वो डाल के दे देती हूँ मैं उनको। और मैं बच्चों के रूम में बैठी हुई हूँ, यहाँ ये वही चादर है जो एक बार धुलकर जिसका कलर फेड हो गया, ये देखिए ये वही चादर है। ये बच्चों के रूम में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आज। उधर मशीन चल रही है, थोड़ी आवाज़ हो रही है, शाम के टाइम बच्चे भी खेलते हैं बाहर, आवाज़ होती है। मेरा रूम सड़क की तरफ है, तो फिर मैं इधर ही इसी रूम में आ गई। तो ये बच्चों का रूम है यहाँ पे, देखिए बच्चों का रूम बल्कि अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति भी है। तो चलिए अब जूस दे देती हूँ मैं पापा जी को, फिर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर खाने की तैयारी करते हैं। जूस फुल ही भर गया, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं खाने के टाइम, पापा जी को मैं जूस पकड़ा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी है, मसूर की दाल मैं बना रही हूँ, उसमें राजमा डाला है। तो दाल चावल और चपाती, आज का हमारा डिनर है। आटा मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा लेट हो गई, दो लड़कियाँ आई थी तो फुल कोर्स करना चाहती है और एक सेल्फ करना चाहती है, तो उनको विजिटिंग कार्ड दे के आई हूँ, बोल के आई हूँ सुबह आना, क्योंकि आज क्या है एक्चुअली पापा जी का व्रत है। वैसे तो उनको तरबूज वगैरह छाछ दे दी थी, जूस दे दिया था, रसना दे दी थी, पर फिर भी भूख तो लगती है। तो चलिए बच्चे भी आ जाए मेरे, फिर बाद में तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी, घूमने जाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगी, सुबह इसके एडिटिंग करूंगी मैं, आफ्टरनून में, दिन में। तो चलिए आटा लगा लेती हूँ मैं, सैलड वगैरह काट लेती हूँ और दाल का छोंक लगा देती हूँ, सीटी आने वाली है। तो देखिए खाना बन के रेडी है, पराठा, राइस और मसूर की दाल, हमारी सबकी फेवरेट। और ये सुबह कद्दू के छिलकों की सब्ज़ी, और ये शुगर चीनी, और ये है दूध। तो चलिए पापा जी को खाना पकड़ाते हैं, सुबह मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मैं घूमने जाऊँगी, इसकी एडिटिंग हो नहीं पाएगी अभी मेरे से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो सब जने, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 8:30 लगभग बज रहे हैं और मुझे बहुत सारा काम करना है, बट मैं थक गई थोड़ा बहुत काम करके, तो आके मैं यहाँ आपसे बात करने लग गई हूँ। और अभी मुझे बहुत सारा काम है गाइस, दिन भर बहुत सारा, जैसे घर का आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मुझे एक पत्नी की जिम्मेदारी भी, मतलब स्वामी जी का नाश्ता वगैरह, फिर बच्चों का नाश्ता, फिर ससुर जी का, और फिर वापस से स्वामी जी का खाना, ससुर जी का खाना, बच्चों का खाना। और मेरा बेटा गए आज सुबह 11 बजे की उसकी क्लास है, तो वो 10:45 ही निकल जाएगा, और 3 बजे आएगा, तो फिर से मैं उसके लिए गरम गरम चपातियाँ बनाऊँगी, और दिन में भी मैं जाऊँगी। तो जैसा कि मैंने बोला है कि एक औरत की जो लाइफ है बहुत ही टफ है, हर क्षेत्र में वो कंपटीशन भी है, और प्लस उसको मतलब एक वो देनी पड़ती है, मतलब कि हाँ सही हो के नहीं हो, मतलब जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, बहू भी हूँ, और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है और लेटेस्ट मेरा जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आपका भी कुछ योगदान इसमें बन सके समाज सेवा में। समाज सेवा क्या, मतलब
मैं तो सभी के लिए ही मतलब कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर जाति की लड़कियाँ और औरतें मेरे पास आती है, तो आपको दुआएं लगेगी उनकी अगर वो सिलाई सीख पाएगी, और मैं कंप्यूटर का यहाँ पर खोल लूँगी फ्री सिखाने का, तो वो आपको दुआएं देगी। और बोलते हैं ना, एक दुआ गरीब की बहुत असर करती है, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और अभी अभी सुबह सुबह मैं आपसे इतनी बात कर रही हूँ, और उसके बाद में मुझे अभी बहुत काम है। मैंने सुबह सुबह कूलर चला रखा है, कूलर की आवाज़ में मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। और देखिए यहाँ पे मैंने मंगलसूत्र भी नहीं पहन रखा है, बहुत गर्मी लग रही है। रात को मैं खोल के सोती हूँ, फिर सुबह उठ के पहनती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। और ये देखिए, जैसा कि स्वामी जी ने बोला कि तू गाउन ही गाउन क्या पहनती रहती है, तो आज मैंने टी शर्ट और पजामा डाला है, देखिए आप। तो कैसी लग रही हूँ मैं पता नहीं, लेकिन आई होप आप सबको अच्छा लगे, क्योंकि इंसान के विचारों से उसकी पहचान होती है, न कि कपड़ों से। और विचार और उसके कर्म, उसका कार्य से उसकी पहचान होती है। जैसा मेरा सोचना है, आप सभी का भी वही सोचना होगा, क्योंकि मैं, स्वामी जी बोलते हैं हमेशा गाउन पहनती, लेकिन गाउन मेरे को कंफर्टेबल लगती है, और उसमें पूरा बदन भी ढक जाता है अपना, क्योंकि इसका भी एक रीजन है गाउन पहनने का, कि मैं पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। आप पहले के वीडियो देखना मेरे, जो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, उस वीडियो में आप देखना कि है ना मैं कितनी मोटी हूँ। अभी अभी में मेरा वजन थोड़ा कम हुआ है घूमने फिरने से। हाँ, रात को भी मैं घूमने गई थी पार्क में, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बेटे ने आइसक्रीम नहीं खाई, तो वो गया ही नहीं मुझे छोड़ के। सॉरी गाइस, मेरे इस वाले फोन पर फोन आ रहा है, विमला फोन कर रही है, तो चलिए मिलते हैं बाद में। गाइस, आलू और प्याज मैंने भर दिए हैं टोकरी में, आलू भी भर दिए हैं और प्याज भी कर दिया है, लहसुन हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह स्वामी जी योगा करने गए थे, तो वहाँ से लाए फूल माला, और ये देखिए कॉपियाँ मुझे चेक करनी है, तो चलिए कॉपियाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर कॉपियाँ चेक करने के बाद अब मुझे काफ़ी काम है। तो चलिए इन सामान को ले आई हूँ मेरे रूम में, ताकि मैं यहाँ पर चेक कर सकूँ। क्योंकि हॉल की सफाई मुझे करनी है। मैं मेरी सारी चीज़ें यहीं रखती हूँ, सब्जी भी यहीं ले आऊँगी साफ़ करने के लिए। ये देखिए सारा बिखरा हुआ पड़ा है, ये सब समेटना है मुझे, क्योंकि मेरी मैड आने वाली है। अभी बीच में गांव चली गई थी, तो मैंने ही सारा काम करा था, बर्तन झाड़ू पोछा, बाकी मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो मैड लग रही है। ये देखिए सब डस्टिंग भी करीब करीब वही कर लेती है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए ये मेरे आइटम, गर्मी बहुत पड़ रही है, चलिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्लूकोज पाउडर घोल के दे देती हूँ। फ्रिज का ठंडा पानी मैंने ले लिया है, अगर चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, और ये करीबन 2 स्पून 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि बच्चों को अच्छा टेस्टी भी लगेगा, और गर्मियों में पीते भी रहना चाहिए, ताकि बच्चे धूप में जाते आते कोचिंग तो उनको अच्छा लगे। बस दे देती हूँ, वैसे तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था बच्चों ने, एनर्जी ड्रिंक है गाइस ये, पूछ भी लेती हूँ उन्होंने तरबूज काट दो क्या, तो चलिए दे देते हैं बच्चों को। बेटा ये पी लेना, यहाँ पे रखे हैं ना। इधर मैंने वीडियो एडिटिंग शुरू करी, तो बेटा मेरा मेरी रूम में चला गया, ये पढ़ाई कर रहे हैं, कूलर चल रहा है, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी।
छोटा वाला बेटा भी मेरा पढ़ रहा है। लिए मछलियों को दाना डाल देते हैं, उछल के आएगी अभी, जैसे ही पता चलेगा दाना डला है, अभी पता नहीं चला है इनको। देखिए उछल उछल के खा रही है। ये देखिए, सुबह स्वामी जी पर्दे खोलते हैं, बेल्ट उल्टी लगा के चले जाते हैं। ये देखिए इसकी बेल्ट ये रही और इसकी ये है, दोनों को मिक्स करके चले जाते हैं। चलिए ये भी सही कर देते हैं। चलिए दोस्तों कर लेते हैं कॉपी चेक। ये मैंने कर दी है। तो चलिए विमला की कॉपी भी चेक कर लेते हैं। विमला की कॉपी है, ये विमला की कॉपी है, देखते हैं टेप कवर ठीक है। विमला का आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया, नाम का घपला हो रहा था और कई काम करवाए। देखिए दोस्तों मैंने बनाई है आज लौकी की सब्जी। इसमें बनने के बाद मैंने डाली है छाछ और पापा जी को सर्व करके थाली मैंने दे दी। मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ तो आज छोंकते हुए बता नहीं पाई। और पानी की टंकी भर दी है, लड़कियों की, बच्चियों की और स्वामी जी की भी भर दी है। बस अब सारी बोतल भर के रखनी है मुझे। चपातियाँ भी सीख गई स्वामी जी की, तो चलिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ क्योंकि पापा जी आने वाले हैं खाना खाने के लिए। सॉरी पापा जी खाना खा के आने वाले हैं क्योंकि वो टिफ़िन लेके जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा खाना, लौकी की सब्जी, नमकीन मैंने रख दी है थोड़ी सी और चपातियाँ और रायता। रायता मैं पूछूंगी उनसे, रायता वो कम ही खाते हैं बूंदी का, फिर मैं रखूंगी छाछ की थैली, फ़ोन करके पूछती हूँ। और ये हमारा सैलेड, प्याज वो नहीं खाते लेकिन मैं कभी कभी रख देती हूँ टिफ़िन में ताकि लू ना लगे। रायता मैंने निकाल दिया है क्योंकि स्वामी जी ने मना कर दिया है कि रायता मैं नहीं खाऊँगा, छाछ रख देना मेरे लिए, दही के लिए भी मना कर दिया। तो चलिए रखते हैं उनका टिफिन। इस खंड में तीन ही खंडे इसमें, तो चलिए मैंने क्योंकि इसी खंड में वो छाछ को पलट के पीते हैं तो इसमें मैंने नमकीन रख दी। ये पैक हो गया, चलिए बैग में डाल देते हैं। तो चलिए टिफिन, ये चपाती ऐसे रख दी मैंने। और अभी तो मेरा बहुत सारा काम बाकी है गाइस। यहाँ पूरी स्लैब बिखरी हुई है तो ये पूरा मेरे को समेटना है और सारी ये बोतल वगैरह सब भरनी है। और ये जो बर्फ डाल डाल के दिए मैंने वो भी सारी भरनी है। बर्तन मुझे जमाने हैं, स्वामी जी की टंकी मैंने भर दी है और टिफिन तैयार है। यहाँ मैं भर रही हूँ आरओ वाला पानी ताकि मटकी मेरी भर जाए तो दिन भर में ये ठंडा हो जाए। ये देखिए एक खा रही हूँ हाजमुरा की गोली, में मुझे बहुत अच्छी लगती है। पावर बैंक भी मेरा फुल हो गया है तो चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। इधर देखिए होल को मैंने अच्छे से सब चमका दिया है, अच्छे से हो गया है। मछली को दाना भी मैंने डाल दिया, आपको दिख रहे होंगे उस रूम में, मेरे रूम में बहुत सारे कपड़े क्योंकि कल मशीन लगाई थी तो वो कपड़े उतारे हैं, उन कपड़ों की तय करनी है। और सारे बेडशीट हैं, देखिए मैं बताती हूँ, ये देखिए सारी बेडशीट है तो ये है, मुझे इनकी तय करनी है। और हॉल मेरा बिल्कुल क्लीन है, बस पापा जी का वेट कर रही हूँ मैं ताकि मैं ये पकड़ा दूँ। यहाँ किचन मेरी पूरी फैली पड़ी है तो वो समेटनी है जैसा कि बताया आपको, बर्तन इधर भी मेरा ये सारा समेटना है। चलिए मटकी मेरी फुल भर गई है, पानी ख़त्म हो गया है, निकाल लेते हैं इस पाइप को। यहाँ बना रही हूँ मैं बेटे के लिए रायता,
क्योंकि दोनों बच्चे साथ ही खाना खाएंगे, 3 साढ़े 3 आएगा वो, आज सुबह की क्लास थी उसकी, कोचिंग गया हुआ है, तो नाश्ता दोनों ने कर लिया था। और ये जो स्वामी जी वाला रायता है वो भी मैं इसी में मिला देती हूँ, इसमें और बूंदी डालनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मेरा बेटा बहुत सारी बूंदी खाता है। बस थोड़ा सा गल जाए फिर मसाला डाल दूंगी, अभी इसको फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मुझे इससे पहले जाना है नीचे, तो उस टाइम रायता बनाने का टाइम मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि मेरा बेटा दही में क्रंची बूंदी खाता है और छाछ में जब रायता बनाते हैं तो वो मतलब सॉफ्ट बूंदी हो जानी चाहिए ये वाली, तब खाता है। तो चलिए छाछ का रायता है तो सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक मैं एक बार नीचे चक्कर काट के आऊँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी कि लड़कियाँ क्या कर रही है।